वाले हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनिता बाग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर। यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस यूथ का प्रदर्शन हो रहा है सोनिया गांधी को लेकर, ईडी की जो बार बार बुलावा आ रहा है, बार बार ईडी की तरफ से जो बार बार बुलाया जा रहा है, वो आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस यूथ के यहाँ पे सभी युवा मौजूद है। और सामने ये देखिए किस तरीके से पुलिस वालों की तानाशाही, कैसे विरोध प्रदर्शन करने वालों को पानी की बौछारों से नहला दिया जाता है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है चंदकी राम अखाड़े के पास। यहाँ पर ये एलजी हाउस का घेराव करने आए थे। सामने आप देख सकते हैं राजनिवास का घेराव, ये पोस्टर लगा हुआ है सामने जो है, किस तरीके से ये गंदे पानी की बौछारें छोड़ दी गई है। ये सामने आपके सामने तस्वीरें हैं, ये यूथ कांग्रेस के युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे ईडी की, ईडी की जिस तरीके से बार बार जो बुलावा आ रहा है ईडी की तरफ से, बार बार जो बुलाया जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। और यहाँ पर यह देखिए सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग है, पुलिस की तैनाती मौजूद है और यहाँ लगातार पानी की बौछारें चालू कर दी गई है। वाटर कैनन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से एक एक यहाँ पर युवा गिरे पड़े हैं पानी की बौछारें, तो वाटर कैनन, और वाटर कैनन का जो आप पानी देख रहे हैं वो देखिए दिल्ली का पानी कितना स्वच्छ है, ये गंदे पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड किया हुआ है, बैरिकेड्स को अब जो है ये देखिए पूरे पुरजोर ताकत से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। सामने देख सकते हैं, ये फिर से देखिए वाटर कैनन फिर से छोड़ दिया गया है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से। किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के ऊपर ये वाटर कैनन छोड़ दिया गया है, ये वाटर कैनन जो है पानी की आप बौछारें देख रहे हैं, ये दिल्ली का स्वच्छ और स्वच्छ जल है। ये देखिए किस तरीके से गंदे पानी की बौछारें की जा रही है, ये सामने तस्वीरें हैं आपके, ये देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं आप। एलजी हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, राजनिवास का घेराव होने वाला था लेकिन घेराव से पहले इन्हें बैरिकेडिंग करके यहीं पर रोक दिया जाता है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सामने ये देखिए लगातार मोदी के नारे लग रहे हैं, लगातार मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। सामने तस्वीरें हैं आपके, जिस तरीके से ईडी के द्वारा लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 8 साल बाद दोबारा से यहाँ पर जो है इस तरीके से बार बार ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस वालों का कहना है, कांग्रेस यूथ का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है, ये लगातार तस्वीरें आपके सामने है इस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सामने तस्वीरें आपके हैं, ये सामने वाटर कैनन भी जो है स्टार्ट कर दिया गया था लेकिन ये पानी के बौछारे आप देख रहे थे वो एक गंदे पानी की बौछारे हैं। सामने देखिए ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है सामने, जिस तरीके से सभी के हाथ में कांग्रेस यूथ के हाथ में कांग्रेस के झंडे दिख रहे होंगे, वही सामने यहाँ से धुआं भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ है देखते हैं सामने। ये यहाँ पर आग, कुछ आग लगाकर पुतले को कुछ फूका जा रहा है, सामने तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए सोनिया गांधी जिंदाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं ईडी के द्वारा, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है आप सामने देख सकते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी संघर्ष करो। सामने आपके तस्वीरें हैं यहाँ पर जो आगजनी आप देख रहे हैं, ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो युवा और कार्यकर्ता थे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें जो है दिल्ली पुलिस की
किसी गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। सामने ये तस्वीरें हैं आपके, किस तरीके से कोई जब रोडों पे उतरता है, संसद से लेकर यहाँ रोडों पर जो कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता है और जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो यूथ है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और मगर उसके चलते यहाँ पर किस तरीके से वाटर कैनन छोड़ दिया गया, उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर अब जो है पुलिस की गाड़ी में इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सामने तस्वीरें हैं आपके, कैसा में छोड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है पुलिस द्वारा, तानाशाही चल रही है। मीडिया, ये हमारे कार्यकर्ता को देखो कैसे बंद करा जा रहा है, कैसे अत्याचार करा जा रहा है। ये मोदी की वजह से ये पुलिस वाले हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये देश क्या चलाएंगे, जो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, रावण बने हुए उसको रावण को बोलिए होश में आइए। ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी डरने वाले नहीं है, ये बंद होने के लिए भी तैयार है। ये सोचिए, ये देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, उसको बोले होश में आइए। ये देश को श्रीलंका बनाने के लिए चले हुए ना, ये कितने कांग्रेसियों को बंद करेंगे, कितने कांग्रेसियों को बंद करेंगे। ये मेरी बात सुनिए, आपके नेता पैरेंट ये पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस अत्याचार कर रही है। ये मुद्दे मोदी जी की वजह से पुलिस अत्याचार कर रही है। ये कहती है देश को चलाएंगे, देश के पंडितों के साथ नाश करे जा रही है। ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए आप पुलिस की ताराशाही देखिए, पुलिस की द्वारा किस तरीके से घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है। कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता है और ये देखिए ताराशाही, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से लेके जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के घसीट के ले जाया जा रहा है। ये पुलिस के द्वारा ये देखिए गाड़ी में जो है भर लिया जा रहा है, डिटेन कर लिया गया है। ये देखिए ये सीधी तस्वीर है आपके सामने, ही सामने देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी में जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो युवा थे उनको भर के ले जाया जा रहा है, जो यहाँ पे नेता लोग थे उनको ले जाया जा रहा है। सामने तस्वीर है आपके, कैसे यहाँ पर जो है महिलाओं को भी डिटेन कर लिया गया है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं आप, अत्याचार करा जा रहा है, ये जितने पुलिस वाले कांग्रेसियों पे अत्याचार करा जा रहा है, ये मोदी जी के खिलाफ ये और चौकीदार ही को लाल लाल आंखें दिखा दी है, दिखा रहा है। कौन डरता है इससे, ये डरपोक अपने देश को वालों को ही डरा रहा है। ईवीएम चोरी करके ये जनता को डरा रहा है, कांग्रेस डरने वाली चोरी कर ली, इतना बड़ा आरोप है, चोर है। ईवीएम कराना बैलेट पेपर पे, अगर मर्द का बच्चा है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे मोदी अमित शाह, चैलेंज ये चैलेंज है। सुंदर चौधरी गुजरात का चुनाव है, करा लेना बैलेट पेपर पे, औकात दिखा देगी गुजरात की जनता। ये चोर आदमी है, पीछे के रास्ते घुसने की आदत है इस मोदी की। चौकीदार चोर, चौकीदार चोर है, चौकीदार नाम से आए थे।
देखिए चौकीदारी कर रहे हैं पूरे देश को समाप्त। कहाँ कहाँ, अरे चाइना घुसा पड़ा हिंदुस्तान के अंदर, घुसा टाइट कर दिया चाइना, टाइट कर दिया, क्या बात कर रहे हो। 2014 के बाद बना है जी, वेप करने से क्या बैन हो गया, बैन हो गया। चाइना जो आंख लाल दिखाता था 15 बैन, अग्निवीर हो गया, अग्निपथ आ गया, अग्निवीर पता गया, कितने भर्ती हो गए 4 साल में, आप चले जाओ। 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो तो पैसा कम। अरे आप परमानेंट भर्ती करो, 10 करोड़ फॉर्म जमा होंगे, मूर्ख बना रहा जनता को। 4 साल में क्या होगा, बाप नौकरी कर रहा, बेटा रिटायरमेंट ले लिया, ये अग्निवीर है जो कोर्स कर रहे हैं, संभाल पाए वो देश को क्या संभालेंगे। निजी जा रहे हैं, हाँ निजी जाना पड़ेगा, ईडी की तरह जाना पड़ेगा, नीच का, नीच आदमियों के साथ नीचता के हिसाब से जाना पड़ेगा। नीच, मैंने उनको नहीं बोला, नीच आदमी बोला, जो भी नीच आदमी उनके साथ नीचता के हिसाब से जाना पड़ेगा। सटे साट्यम समाचार, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टैट फॉर टिट। तिलक है आपके हाथ में, इतना सारा कलावा है, असली भक्त है, देश भक्त, बोलो जय श्री राम, देश भक्त, जय श्री राम, वो कौन है, अरे मोदी योगी, कोई मोदी योगी हमसे ज्यादा जानते हैं क्या, हर हर बोल दीजिए, हर हर, हर हर महादेव, घर घर, हर महादेव, घर घर चोरी, घर घर चोरी, मोदी का काम है चोरी करना, लोगों ने अपने घर स्टिकर लगा दिए हर हर मोदी, घर के लॉकर दिखा दिए, नोटबंदी करके सारा पैसा निकाल लिया, पूरा 99.6 वापिस आ गया, चोरी हुई कहाँ। आपकी मीडिया बताती है 2020 में जब लोग मर रहे थे कोरोना काल से, 21 में जब बाहर विदेशों में पैसा जमा हो रहे थे मोदी राज में, ईडी उसके घर क्यों नहीं जाती, अडानी के घर, अंबानी के घर क्यों नहीं जाती, जैसा के घर, लगातार वो देखिए सत्ता में आ रही है, लगातार हर जगह जीत रही है भाजपा। चोरी मैडम क्या बोला, 2014-15 आप लोग क्या कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, पुलिस को अब आप जब सब लुट गया है, ऐसा आरोप लग रहा है कि सब लुट गया, तब आप सड़कों पे आपने 1,00,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है गुजरात, गुजरात में कहां से आ रही है वो, 80 लाख लोगों पर भी नहीं है न्यूज चैनल पे कहीं आने रहा, गुजरात के रास्ते से व्यापार, ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं अंकल जी, कुछ कहना चाहते हैं, न्यूज चैनल तो अंबानी और अडानी के हैं, वो क्यों दिखाएंगे अपने गुरु के, हो गया बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अंबानी अडानी का हो गया, बिल्कुल 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 हमारी बात नहीं कर रहा, वो दिखा देते हैं, नेशनल चैनल तो दिखाई नहीं सकता कुछ, कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे दिखाई नहीं सकता कभी कुछ, उनको तो मिल रहा है, हाँ सोशल सोशल चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी पैदा हुए, 1973 में बड़ में रेल आई तो मोदी जी ने बचपन में चाय कब बेची, और उसके बाद हिमालय में कब चले गए वो भिक्षा मांगने, और उसके बाद प्रचार कब कर लिया उन्होंने, प्रचार मंत्री कब बन गए। देखिए जो द्रौपदी मुर्मू जी जो है चुनी गई है, पूरा स्वागत सत्कार हो रहा है, यानी कि आपकी तरफ से वो भी जो है राष्ट्रपति जो आपकी तरफ से जा रहे थे कांग्रेस के, वो भी अभी तक उनकी कोई अता पता नहीं है, मुर्मू जी का ही नाम हो, कोई बात नहीं, यानी वही है जिसका नंबर गेम होगा उसी का नाम होगा, इनका काम है सत्ता की। कमजोर क्यों है फिर हम, कमजोर विपक्ष, कमजोर क्यों, अगर हम कमजोर होते तो यहाँ खड़े ना होते, कमजोर नहीं है, मीडिया नहीं दिखा रहा है, अब सड़कों पर आए हैं आप लोग, पहले नहीं आ रहे, पहले आ रहे हैं, पहले से दिखा कर रहे हैं, डर का जब मीडिया ने दिखाया था उसको, जब कोरोना में लोग मर रहे थे सड़कों पे, तुम दिखाया मीडिया ने, नहीं दिखाया, बहुत किले चुने लोग दिखाया, दिखा जो दान कर रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, पानी खिला रहे थे, उनको मार मार के भगा रहे थे, जो बेचारे सड़कों पे जा रहे थे कोरोना के टाइम पे अपने घरों पे, उनको तो तुमने क्या कहते बस नहीं दी घर जाने के लिए, और अगर विदेशों से तुम तो हवाई जहाज दिखा रहे हो, पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों की है, उनके लाखों रुपए दान माफ कर रही है, उनके एमपीए बढ़ा रही है, माफ कर रही है, गरीबों के दूध पे भी टैक्स लगा रही है, बच्चा क्या पिएगा है, कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चा नहीं है ना, शिक्षा पे टैक्स लगा रही है, किताबों पे टैक्स लगा रही है, बेटा नहीं है, स्कूल छोड़ने के लिए टाइम नहीं है, उसको पता नहीं जिसका परिवार होता है, दूसरे मोदी जी का परिवार नहीं इसलिए दुख नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, जिसका परिवार नहीं होता क्या दुख जानेगा, मैंने सुबह बेटी को छोड़ छोड़ के नहीं है, बच्चा है उनका, कहाँ है बच्चा, लड़का है उनका, पत्नी भी है, गजब आप पत्नी है, छोड़ रखी है उसने, बच्चा नहीं है, निजी जा रहे हैं आप लोग, नहीं नहीं निजी नहीं, छोड़ रखी, निजी नहीं है, बच्चा नहीं है, नेशनल हेराल्ड निजी तो है, ये भी निजी है, प्रधानमंत्री निजी है, और क्या निजी है, मुद्दों से भटकाने के लिए हमारी लीडर को पकड़ना, आज इस देश में किसान और औलाद खुद बचानी है, क्योंकि बे औलाद बैठे हैं राज्यों में, कोई किसी को किसी की फिक्र नहीं है, स्कूल नहीं खोल रहे, उनको हटाना पड़ेगा, मंदिर बना रहे, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, कोरोना में हॉस्पिटल की जरूरत थी ना, हमें मंदिर की जरूरत नहीं थी, मंदिर हमारी आस्था का है, मंदिर अच्छी है बनाओ, लेकिन स्कूल और कॉलेज भी तो बनाओ, उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी बनाओ, सरकारी संस्थाएं तो सारी बेच दी,
उन मंदिरों का रेलवे तेल भेल हेल सब कुछ बेच दिया सरकार का, सरकार बेच दिया। सब बेच दिया जी, अडानी को सब बेच दिया, बेचते रहे और आप देखते रहे। आप और हम भी बेच दिए, सब बेच दिए। इसको दोबारा से कांग्रेस बना के 70 साल में कांग्रेस यहाँ तक दे दिया। इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या बनाया था, कौन से कारखाने बनाए, कौन सी इन्होंने हॉस्पिटल बनाए बताइए, कितने इन्होंने रेल बनाई है, कुछ नहीं बनाया, सब बेच रहे हैं। कॉरिडोर बन गया, जेवर एयरपोर्ट हो गया, किसने बना दिया, ये 8 साल में बना दिया, 1 साल में से बना दिया। जो भी हाईवे बन रहे हैं, बनने से पहले उनको बेच दिया जा रहा है, टोल टैक्स लगे हुए हैं, बोल रहे हैं दावे के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, टोल टैक्स दे के आता हूँ रोड से। और जेर एयरपोर्ट आप कह रहे हैं ना, जेर एयरपोर्ट बिक चुका है, बिक चुका है, चुका बनने से पहले बिक चुका है। नहीं नहीं, अडानी को बेच चुके हैं सारे, प्रूफ है आपके पास है, प्रूफ है, ये पूरा देश जानता है। बोलो जानता बोलो, क्या नहीं बेचा अडानी को, आपका हमारा शरीर भी बिकने वाला है, एक दिन सौदा हो जाएगा, बिक चुका है, बिक चुका है, इस देश में कुछ नहीं आज। गुलामी प्रथा दोबारा से लेकर आ रहे हैं, गुलाम चल रहा है, साम्राज्यवाद चलने वाला है, जो समाजवाद था ना उसको खत्म कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए सब सामग्री पे टैक्स लगा रहे हैं, बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, लोगों के पहले पे जीएसटी के और नोटबंदी में नोट छीन लिए, फिर जीएसटी में पैसा छीन लिया, जीएसटी का विरोध करते थे 2006 में कांग्रेस जीएसटी ला रही थी, जिस जीएसटी का विरोध करते थे 2017 में ऐतिहासिक फैसला हो गया, जिस एफडीआई का विरोध करते थे 49% में, आज 74% है, कोई निवेशक नहीं हमारे पास, आज हमारा डॉलर, ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में, समाजवाद को खत्म, पूंजीवादी बैठे हैं, पूंजीवादी रहेंगे इस देश में, डॉलर खत्म कर देंगे आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए हमने इन लोगों से बात की, किस तरीके से लगातार जो ईडी का छापा पड़ रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आप कांग्रेस युवाओं का और कार्यकर्ताओं का यहाँ देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई, उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो छोड़ दिया गया, और उसके बाद यहाँ सामने आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जलाया भी गया है, जलाकर कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लगातार यहाँ पर सभी के हाथ में झंडे हैं कांग्रेस के, और लगातार पोस्टर्स बैनर्स हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार की तानाशाही के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाह है मोदी जी, और उनको देखना चाहिए कि आज जो जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों पर GST लगा दिया गया है, तो आखिर इंसान खाएगा क्या और पहनेगा क्या, तो क्या देश के हालात ये बताते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि श्रीलंका जैसा जो है हालात आने वाले हैं इस देश के, क्या ऐसा होने वाला है, इसी के साथ देखते हैं जनता आवाज में, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।